हेलो गाइस, आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली आज का दिन आपके लिए यार बढ़िया हो, आप बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एक प्राउड मोमेंट, एक प्राउड डे है सेलिब्रेट करने के लिए। वो तो डेली ही होता है, बट एक स्पेशल ओकेजन, एक स्पेशल पर्टिकुलर डे, एक डिसाइडेड प्री डिसाइडेड होता है, एक इवेंट होता है इस पर्टिकुलर डे पे, तो वो आज का दिन है। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे, एक प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए। तो आपका भी रिसेंटली एमएसटीसीटी का एग्जाम हो रखा है या नहीं तो चल रहा होगा, जो भी पीसीबी ग्रुप के हैं। पर इसी बीच ना आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो अगले मंथ स्टार्ट ही होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तुरंत तुरंत ही आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो चालू होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत सारे हैं और इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब उसके बिना यार आपका एडमिशन होना मतलब बहुत दिक्कतें आपको हो जाएंगी। अगर एक दो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस आपको यार कहीं पर भी जाके पैसे खर्च करने की नीड नहीं है। यहाँ पे स्क्रैच टू एंड मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, जैसे जैसे आपके वीडियो आते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो रेड बटन है ग्रे कर दो, क्योंकि जो पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस है मैं आपको यार पूरा समझाऊंगा, कैसे कॉलेज फील करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कौन से कॉलेज को अप्लाई करना है, आपके परसेंटाइल के हिसाब से सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाने चाहिए बिफोर योर रिजल्ट्स। ठीक है, आपके रिजल्ट्स आने के पहले पहले आपके ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके एक फाइल में यार पूरे ही कलेक्ट वे में होने चाहिए। ठीक है, यार स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आशा करता हूँ आपने चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। कहाँ से देख रहे हो जरूर बताना, नहीं तो यार आज का बढ़िया दिन है, कुछ तो यार कमेंट लिख देना तो मुझे अच्छा फील होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट होगा आपका 10th का मार्कशीट। ठीक है, जो 10वीं का जो मार्कशीट है मैंडेटरी है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। उसका जो ओरिजिनल आपको फॉर्मेट मिला होगा, तो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, महाराष्ट्र स्टेट का अगर होगा, नहीं तो सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है आपका, जो भी है जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो, 10th का मार्कशीट। ठीक है, एंड सिमिलरली 12th का मार्कशीट, सेकंड डॉक्यूमेंट इज 12th का मार्कशीट। ठीक है, जो थर्ड हमारा है यहाँ पे 12th की टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग टीसी समझते नहीं है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब स्कूल आपने छोड़ा था ना 12th के बाद, जो भी जूनियर कॉलेज होगा या स्कूल होगा 12th में, तो उसके बाद आपने जब छोड़ा था तो कॉलेज से एक ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा होता है। ठीक है, तो वो आपको ओरिजिनल कॉपी, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको जिस भी आप कॉलेज में जाओगे वहां पे सबमिट करना होता है। जिस भी आपके कॉलेज में एडमिशन होगा अभी इंजीनियरिंग के लिए या फार्मेसी या एग्रीकल्चर, जो भी आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, यहाँ पे जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द 12th क्लास। ठीक है, तो उसका 12th का टीसी या हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। फोर्थ है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड। जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो वहां पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलता है स्कोर कार्ड का, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करोगे, प्रिंट करोगे। ठीक है, तो एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक चीज वहां पे इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड। हमारी जो फिफ्थ चीज है यहाँ पे, जेई और नीट का स्कोर कार्ड। अभी ये जो चीज है ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके लिए होना ही चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जेई और नीट नहीं देते, बस एमएसटी सीजी देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी किसी को बस पहले से एम उनका डिसाइड होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर लोकल कॉलेज में जाना है, नहीं तो एग्रीकल्चर कोर्स में जाना है या फार्मेसी में जाना है, फलाना ढिमकाना जो भी कोर्सेस अवेलेबल है अंडर द एमएसटी सीटी, तो उनके लिए उनको जाना होता है, पहले से ही ये ड्रीम होता है उनका, तो उनके लिए ना ये जेई और द नीट उन्होंने नहीं दे रखा होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उनका स्कोर कार्ड उनको चाहिए, हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। बट क्या होता है ना कि कई कई कॉलेज आपके ना बोथ मार्क्स लाइक जेई और नीट या एमएसटी सीटी दोनों कंसिडर करते हैं, और तभी आपको जाके एडमिशन मिलता है। तो एक बढ़िया चीज होती है, अगर आपको एक डिसेंट परसेंटाइल है जेई मेंस में भी, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो मतलब उसके लिए भी जरूरी है कि आपका हाई परसेंटाइल चाहिए, एक पर्टिकुलर परसेंटाइल चाहिए टू गेट इनटू द गुड कॉलेजेस, डिसेंट कॉलेजेस।
बट वही है कि अगर हो अच्छा खासा स्कोर तो यार आप जरूर उसको साथ में रखें, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना इनकम सर्टिफिकेट। अभी इनकम सर्टिफिकेट होता है ना पेरेंट्स का होता है, मतलब आपका जो पूरा घर है, घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं तो ये पेरेंट्स आपके ऑब्वियसली, तो पेरेंट्स आपके साल भर में कितना यार कमाई करते हैं, आपकी जो घर की जो भी इनकम है ना आपकी एनुअली, एनुअली साल की बोल रहा हूं मैं, मंथली नहीं, एनुअली जितना भी आपका खर्चा हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है तहसील ऑफिस में। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी आप जिले से बिलोंग करते हो, सपोज आप लातूर जिले से बिलोंग करते होंगे या पुणे महानगर पालिका होगी आपकी, मुंबई महानगर पालिका हो सकती है, जो भी है ठीक है, औरंगाबाद हो सकता है, जिस भी आप जिले से आप बिलोंग करते हो, वहां के जो तहसील ऑफिस होता है वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। ये पेरेंट्स को पता होता है, ठीक है, आपको यार चिंता करने की नीड नहीं, बस पापा को बोल देना कि इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखना इस साल का, एक्टिव एक्टिव ईयर्स का, मतलब इसी साल का जो भी आपका अप्रोक्सीमेटली इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है ना, तो पिछले साल का जो भी है एक्टिव, तो वो यार रेडी रखने के लिए बोल देना पापा को। वैसे तो रेडी होता है बट उसको अपडेट करने की नीड होती है, किसी किसी का एक्टिव नहीं होता इस साल का, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है अपना नेशनलिटी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, ये भी यार तहसील ऑफिस में ही शायद मिलता मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे साल जब 2019 में मैंने शायद उसी से निकलवाया था तहसील ऑफिस से, ठीक है। डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट अभी आप उसको बोल सकते हो कि आप किस नेशनलिटी से हो, लाइक इंडियन है हम सब तो इंडियन, या किस स्टेट से हो, किस जिले से हो, तो उसमें पूरा डेटा होता है आपका, तो नेशनलिटी एंड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट और भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अपना कास्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो कास्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में फर्स्ट तो वही आ जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी एनटी देन NT1 NT2 NT2 NT3 VJ NTN ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ उसमें यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है यहाँ पे सब डिविजन्स एंड कास्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है उसमें चीज, जो भी आपके कास्ट हो यार तो उसके हिसाब से आप कास्ट सर्टिफिकेट यार रेडी रखना, ठीक है। उसी का एक कास्ट वैलिडिटी करके होता है, कास्ट वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साल के लिए, पर्टिकुलर वैलिडिटी के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है, तो उसके लिए कास्ट वैलिडिटी करके एक सर्टिफिकेट अलग से होता है। कास्ट सर्टिफिकेट एक अलग होता है डॉक्यूमेंट, एंड कास्ट सर्टिफिकेट एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, कास्ट वैलिडिटी एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। देन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये मोस्टली यार ओबीसी लोगों के लिए होता है, जो ओबीसी कास्ट को यार बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है, जो 8 साल 8 लाख से जो कम इनकम होता है ना मोस्टली वो लोग उसमें आते हैं, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो पेरेंट्स को पूछ लेना कि अगर हो अवेलेबल, अगर ना हो यार करा लेना, मोस्टली यार ओबीसी लोग ओबीसी कास्ट के लिए एप्लीकेबल है, एंड 8 लाख से कम इनकम हो जाना चाहिए शायद मेरे हिसाब से, ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि अगर आपको नीड है इस चीज की। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट, इसमें यार बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि यार ये चाहिए या नहीं, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, ये इनके लिए है कि सपोज आपने पिछले साल 12th अपनी खत्म कर दी थी, आपने 1 साल ड्रॉप लिया था, और इस साल फिर से आपने जेई और MHDCET दे रखा था, मतलब पिछले साल तो दे ही रखा था 12th क्लास के बाद, देन अगेन आपने इस साल भी दे दिया 1 साल ड्रॉप लेके, तो उस केस में ना ड्रॉप लेके पर्टिकुलर आप बस उसी के लिए पढ़ रहे थे, तो उस केस में आपको एक रीजन जनरेट करना पड़ता है, उसका डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ता है कि हाँ इसी कारण मैंने ड्रॉप लिया था, जो भी आपका रीजन है वो रीजन उसमें या स्टेट हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, वो किसी भी एडवोकेट के पास जाके आप बनवा सकते हो, किसी भी एडवोकेट के पास जाके बनवा सकते हो, जहाँ एडवोकेट के जो ऑफिस नहीं होते वहां जाओ और फटाफट यार कुछ 30-40 रुपए में शायद मेरे हिसाब से बनता है, आई एम नॉट श्योर, ये मैंने बात सुनी थी कुछ 2-3 साल पहले जब मेरा 12th चल रहा था, तो 30-40 रुपए में हो जाता है काम, वो एडवोकेट से बनवा लेना, उनका स्टैम्प वगैरह जो ऑफिशियल चीजें होती है वहां पे हो जाती है, तो गैप सर्टिफिकेट करके एक चीज होती है, उसके उसमें आपका रीजन होता है कि आपने गैप क्यों ले रखा था, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तभी आपको बनवाना है, अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हो, इसी साल आपने 12th का एग्जाम दिया था, इसी साल आपने MHDCET दिया था, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब है, आपको नाम से कुछ हल्का सा आइडिया लग रहा होगा, माइग्रेट करना, माइग्रेट करना, माइग्रेट करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना,
इसका मतलब है कि आपने ना पिछले साल ही कहीं पे तो एडमिशन ले रखा था, मतलब अपनी पिछले साल ही आपका 12th खत्म हो गया था, आपने पिछले साल ही MHDCET JEE नेट दे दिया था, तो उसी साल आपने किसी यार कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे या फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो गया होगा उस कोर्स का, तो फर्स्ट ईयर में भी आपने MHDCET आप ईयर किया था इस साल, ठीक है। सपोज आपने फर्स्ट ईयर में भी आपके JEE नीट MHDCET आप ईयर कर लिया था, ये कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को अगर पता नहीं तो एक हो सकता है, फर्स्ट ईयर में जाके भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में जाके आपने विदाउट एनी ड्रॉप, मतलब आपने ड्रॉप नहीं लिया था, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो और आपने JEE और द नीट दे दिया था इस साल, ठीक है। और अगर उनको कुछ अच्छा कॉलेज मिला है और उनको वहां पे माइग्रेट करना है, मतलब वहां पे एडमिशन लेना है, जब जो मिल रहा है ना इस साल उनको, जो भी कॉलेज इस साल के रिजल्ट पे मिल रहा होगा, अगर वहां पे उनको जाना है तो उनको यार शायद इस चीज की नीड पड़े, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। कि ये उसमें भी ये स्टेटमेंट होता है कि आपने यार पिछले साल ही फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन ले लिया था, आपने दोबारा एग्जाम दे के आप यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो इसमें ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है। तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, आप फर्स्ट ईयर के लिए ही जाओगे, अभी जब एडमिशन लोगे तो तब से फर्स्ट ईयर से चालू करोगे आपका पढ़ाई, ठीक। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनके लिए नीड होता है, ये मैंडेटरी है या नहीं इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, बट यार बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि यार जरूरत पड़ती है इस चीज की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है यार, तो इसमें एक चीज रह जाती है यहाँ पे, TFWS फॉर द EWS ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस बारे में यार एक सेपरेट मुझे वीडियो बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स है यार उसमें, यार बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको समझने के लिए अलग से वीडियो में बात करेंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में ही। तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले फटाफट यार रेडी रखना रिजल्ट से पहले पहले, ठीक है। और क्या करना है, इनका यार पूरा एक फाइल बनाओ, इन सारे सारे रिजल्ट्स का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का, और इसकी दो तीन कॉपीज रखो, हर एक डॉक्यूमेंट की आपको दो तीन कॉपीज रखना है, प्रिंट आउट या जेरोक्स जो भी, आपके कलर प्रिंट या जो भी है, दो तीन आपको इसकी कॉपीज रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बताना जरूर, फीडबैक दे देना और लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, और काम करते रहिए।